हाय गाइस, तो कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज की वीडियो फेसबुक से रिलेटेड है कि अगर आपसे फेसबुक का पासवर्ड भूल गया है और आपको एक और मसले का सामना करना पड़ रहा है, गेट कोड आपको रिसीव नहीं आ रहा, ओटीपी आपको रिसीव नहीं हो रही है, तो इस सूरत हाल में आपको क्या करना पड़ेगा। इस सूरत हाल में आपको ये करना पड़ेगा के तीन टिप्स आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। उनमें से एक आपके साथ 100% काम करेगा, लेकिन शर्त यह है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखने हैं। तो वीडियो होने वाली है इंटरेस्टेड, वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें। तो गाइस, चलते हैं वीडियो की जाने। ठीक है, तो गैस इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको फेसबुक को ओपन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा फेसबुक का जो है ये ओल्ड वर्जन है, तो मैं इसको जो है क्या कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। अगर आपका फेसबुक अपडेट नहीं है, सबसे पहले उसको अपडेट कर लें। ठीक है, तो गैस यहाँ पे आपको सामने मैं इसको अपडेट के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये अपडेट हो जाएगा कुछ सेकेंड्स में। तो गाइस, अपडेट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे मुझे अभी पासवर्ड नहीं याद है और करंट पासवर्ड मैं भूल चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा है फॉरगेट पासवर्ड, इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपका ईमेल है, तो ईमेल के थ्रू सर्च करें। अगर आपका फ़ोन नंबर है तो आप फ़ोन नंबर के थ्रू सर्च करें। तो यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ बाई फ़ोन नंबर, क्योंकि मैंने फ़ोन नंबर ईमेल एज तौर पर दिया था। तो मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ। सर्च करने के बाद मेरा अकाउंट मेरे सामने आ रहा है। ये पहला वाला जो अकाउंट है ज़िशान हैदर, तो ये मेरा वाला अकाउंट है। तो यहाँ पे मेरे सामने ये मसला आ रहा है गेट कोड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं गेट कोड पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे मसला आता है वी सेंड 8-डिजिट कोड। यहाँ पे किसी को वी सेंड 6-डिजिट कोड, तो 8 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो यहाँ पे अभी जो है मुझे मैसेज नहीं आ रहा है, और आपके साथ भी यही मसला है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ तीन तरीके शेयर करूँगा। आपने फुल फोकस से इसको से देखना है, किसी एक तरीके से ये काम कर जाएगा। ठीक है, लेकिन शर्त ये है, अगर आपका मोबाइल अकाउंट आपका जो अकाउंट है उस पुराने मोबाइल में यूज़ है जिस पे आपने पहले यूज़ किया हो। ठीक है, अगर आपने मोबाइल एक्सचेंज किए हैं, न्यू लिए हैं, तो उस पे आप ट्राई करें, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला है। ठीक है गाइस, तो मैं आज इसी के बारे में बात करूंगा कि अगर आपका अकाउंट पहले इस मोबाइल में यूज़ हो तो आप इजीली इसको रिकवर कर सकते हैं। तो गाइस, टिप नंबर 1, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको जाना है सेटिंग्स पे। ठीक है, सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको क्या कर देना है, इसको सर्च कर देना है एप्लीकेशंस। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऐप्स मैनेजर भी होगा। यहाँ पे मेरे पास एप्लीकेशन है। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इस पे आपने क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपके पास होगा एप्लीकेशन मैनेजर, ऐप्स मैनेजर। ठीक है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस, अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पे आपने फाइंड आउट करना है फेसबुक को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फेसबुक को फाइंड आउट किया। फेसबुक को फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पे इसके परमिशंस पे आ जाएं आप। परमिशन पे आने के बाद इसके सारे परमिशन आपने ऑन कर देने। ठीक है, इसके सारे परमिशन आपने जो है सब, वेट गाइस, यहाँ पे कुछ और आ गया। तो यहाँ पे आपने इसकी परमिशन जो है सब ऑन कर देने। ऑन करने के बाद गाइस, आपको यहाँ से बैक जाने, और बैक जाने के बाद आपको यहाँ पे मैसेज वाले को भी आपने सर्च करने, मैसेज का जो एप्लीकेशन है उसको यहाँ पे आप नज़र आ रहे हैं मैसेजेस, इस पे आपने क्लिक कर देना, और क्लिक करने के बाद इसके परमिशन पे आपने आ जाना है। परमिशन पे आने के बाद गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके SMS ऑफ हैं, इसकी सब कुछ परमिशन आपने इसको अलाउ कर देने। ठीक है, अलाउ करने के बाद आपने क्या करना है गाइस, मोबाइल को एक बार रिस्टोर कर देना है, और रिस्टोर करने के बाद आपने सिंपली ये वाला प्रोसेस अप्लाई करना है, सेंड रिक्वेस्ट, सेंड SMS अगेन, तो शायद आपको 40% चांसेस है कि आपको जो है टैक्स आ जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, स्टेप नंबर टू में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने आ जाना है क्रोम ब्राउज़र पे आपने सर्च कर देना है लॉग इन ईशू फेसबुक। ठीक है, तो आपने ये सर्च कर देना है रिपोर्टर लॉग इन ईशू फेसबुक। ठीक है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइज, यहाँ पे आप कोई सा भी ईमेल दे सकते हैं। ठीक है, तो आपने आपके मोबाइल में जो ईमेल है वो आपने इसको दे देने।
ठीक है, मैं कोई सा भी दे देता हूँ यहाँ पे आपने, लेट सपोज, ठीक है, और जो आपके मोबाइल में पड़ा हो वो आपने दे देना है। और यहाँ पे आपने क्या है, डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब क्या करना है, डिस्क्राइब ये करना है कि हेलो, ठीक है, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं ज़रा फास्ट लिख लेता हूँ हेलो। तो गैस यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने कुछ इस तरह का डिस्क्रिप्शन लिख देना है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पे मैंने लिखा है हेलो डियर फेसबुक टीम, आई हैव फॉरगेटन माय फेसबुक पासवर्ड एंड आई वांट चेंज माय पासवर्ड बट आई डिडंट रिसीव ओटीपी ऑन माय नंबर, सो प्लीज़ सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने तरीके से। और यहाँ पे आपने थैंक्स लिख देना है, और नीचे यहाँ पे आपने लिख देना है यूज़र नेम ज़ीशान हैदर, जो आपके आईडी का नाम है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या कर देना है, चूज़ ऑन फाइल। तो आपने कौन सा फाइल सेलेक्ट कर देना है, यहाँ पे आपने आ जाना है, और यहाँ से आपने इसका स्क्रीनशॉट निकाल देना है। स्क्रीनशॉट निकालने के बाद आपने यहाँ पे इसको सिंपली सबमिट पे, सेंड पे क्लिक कर देना है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये ईमेल वॉलेट रख दिया, मतलब मेरे पास अभी मुझे जो याद है वो नहीं आता, आपको बता रहा हूँ, आपके फ़ोन में जो ईमेल है वो आपने इसको दे देना है, ठीक है। तो इसके बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको करना ये पड़ेगा जो स्टेप नंबर 3 है। तो चलते हैं स्टेप नंबर 3 की जाने। तो गैस आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, तो आपने उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और क्लिक करने के बाद आपने इस पर आ जाना है, ठीक है, इस पर आप आ जाएंगे, ठीक है, इस इंटरफेस पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपने क्या कर देना है, इशू आपको क्या है, तो ये रिसीविंग टेक्स्ट का मसला है हमें, यह आपने सेलेक्ट कर देना है। आपका नंबर कौन सा है, मेरा जायज़ है, आपको कोई भी हो सकता है, आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश हो, जहाँ से भी हो, आप अपने तरीके से अपने जो वो है वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आप नंबर भी डाल दें, ठीक है, नंबर आपका जो वो उसका नंबर है, आपकी जो फेसबुक अकाउंट का नंबर है वो आपने डाल देना है। तो यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट ईमेल दे देना है, कोई सा भी ईमेल जो आपके फ़ोन में हो, ठीक है, ज़ीशान हैदर। तो मैं यहाँ से कोई रेंडम अभी दे देता हूँ, शायद सही ना हो, लेकिन आपने कंट्री क्या सेलेक्ट करनी है, जो आपकी कंट्री है, तो मैं कंट्री भी सेलेक्ट कर देता हूँ पाकिस्तान, ठीक है, आप कोई भी हो तो आप कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन आपने क्या करना है, जो अभी मैंने उस स्टेप नंबर 2 में बताया वो आपने इसको डिस्क्राइब कर देना है इधर भी, और देने के बाद आपने इसको सिंपली सेंड कर देना है। तो गाइस जब आप ये सेंड करेंगे तो आपने 24 आवर वेट कर देना है, और वेट करने के बाद आपको ये रिसीव तो हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा लेट रिसीव होता है। तो गाइस आपको मैं ये प्रेफर करता हूँ कि जब आप रात को मोबाइल रख रहे हैं तो आपने OTP के लिए अप्लाई कर देना है, जब तो आपने फिर फेसबुक को हटाना नहीं है, मतलब क्लियर इस तरह नहीं करना है जिस तरह यहाँ से क्लियर करना है, ठीक है। तो आपने क्लियर नहीं करना, आपने एज इट इज सेम इसको छोड़ देना है। जब आप सुबह उठेंगे तो आपको मैसेज आया होगा, और आपने बस वो कोड यहाँ पे लगा देना है, तो आपका पासवर्ड रिकवर हो जाएगा। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।